क्या दोस्तों, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने हाथ और पैरों के दर्द से, या फिर आपको कमर दर्द हमेशा रहता है, या फिर आपके मसल्स में ऐंठन है, नींद ना आने की परेशानी, बालों का झड़ना, चेहरे पे कोई चमक ना होना, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी आ रही है, एनर्जी नहीं फील होती, सर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे सिम्टम हैं कैल्शियम की कमी के। दोस्तों, कैल्शियम ना सिर्फ हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, मसल्स के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी के कारण ही आपको ये सारी परेशानी होती है। आम तौर पे क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने पे हम टैबलेट्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, मगर वो सारे आर्टिफिशियल चीज़ें क्यों खाएं जब हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर कर अपने कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको तीन ऐसे अनाज यानी सीरियल के बारे में बताऊंगी जिनको आप डेली लाइफ में अपना ऐड करोगे, रोज़ खाओगे, तो कैल्शियम की कमी आपको कभी होगी ही नहीं, आर्टिफिशियल कैल्शियम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो तीन अनाज कौन से हैं जिनकी आप रोटी बना के खा सकते हो, दलिया बना के खा सकते हो, जिससे कि आप उसको अपना डेली रूटीन में शामिल करो और आपको कैल्शियम की कमी से पूरी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। तो ये सब आप जानोगे आज की वीडियो में। साथ ही दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको एक लाइक तो जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अनाज जो मैं आपको बता रही हूँ वो है रागी। रागी में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें आयरन बहुत अच्छा होता है, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी बहुत अच्छा होता है इसमें। तो जिनको खून की कमी या अनीमिया की प्रॉब्लम है या सिम्टम लगता है कि कमजोरी है, तो उनको ज़रूर ये खाना चाहिए, क्योंकि ये आयरन से भरपूर है, तो हमारा खून बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ कैल्शियम होने के कारण हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, नाखून के लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और है, इसमें पाया जाता है अमीनो एसिड और फाइबर, जो कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी रोटी, पराठा या फिर दलिया सुबह नाश्ते में खाते हो, तो पूरे दिन आपको फुल फील होगा, तो आप ज़्यादा नहीं खाओगे, तो वेट लॉस में भी आपको ये फ़ायदा देता है। आपको ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, यानी डायबिटीज़ वाले भी इसको खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लो रखता है, रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ एक अच्छी बात ये है, जो लोग झुर्रियों से परेशान हैं, जिनके फेस पे रिंकल बहुत जल्दी आ रहे हैं, ग्लो नहीं है, चेहरा मुरझाया सा लगता है, उन्हें भी रागी खानी चाहिए, क्योंकि इसके खाने से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, चेहरा खिला खिला महसूस होगा। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रागी को आप आटे के साथ भी मिक्स करके खा सकते हो, और इसको ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रागी रागी हर टाइम खा रहे हो, वो अच्छा नहीं होता है, किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं होती है। लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, और जिनको किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, उनको रागी का आटा या रागी से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, उनके लिए अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा जो अनाज है जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वो है बाजरा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने कभी बाजरे की रोटी खाई है? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वाद लगती है खाने में। दोस्तों, बाजरे में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कमर दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो आपको बाजरे की रोटी हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो खानी ज़रूर चाहिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आपके बाल घने नहीं है, हेयर थिनिंग है, बालों में कोई चमक नहीं है, तो आप बाजरा खाना स्टार्ट कर दें, इससे आपके बाल थिक भी बनेंगे और चमकदार भी बनते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है, और हार्ट के जो रोग होने वाले होंगे या होते हैं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, वो नहीं होते हैं। तो बाजरे की रोटी को आपको ज़रूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी बाजरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और एक और चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप बाजरा खा सकते हो, क्योंकि अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर
कैंसर होता है, तो अगर वो इसे खाएंगी, अपनी डाइट में शामिल करेंगी, तो इससे कैंसर होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये ज़रूर खाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बाजरा खाने से वज़न भी नहीं बढ़ता, वज़न कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पेट को फुल रखने में मदद करते हैं। अगर आप इसको सुबह नाश्ते में लेते हो तो इससे वज़न भी नहीं बढ़ेगा, तो अच्छी चीज़ है ना, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों, जैसे हर चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, उसी तरीके से कोई भी अनाज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हो, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो बाजरा ना लें। दोस्तों, तीसरा जो अनाज है वो दुनिया का पांचवा सबसे महत्वपूर्ण अनाज माना जाता है, जो कि है ज्वार। ज्वार जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। अगर आपको दर्द की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होती है, हड्डियों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें भी फायदा देता है, और कभी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने नहीं देता जो लोग ज्वार का सेवन करते हैं। आप इसकी रोटी बना के खा सकते हो, या फिर किसी भी आटे के साथ इसको मिक्स करके खा सकते हो। इसके पूरे आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिलते हैं। मेनली दोस्तों, ज्वार में बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, दांतों को मजबूती देता है ये। और जिनको कब्ज की प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, उन्हें भी ज्वार की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। जिनको खून बढ़ाना है यानी अनीमिया की परेशानी है, खून कम बनता है, उन्हें भी ज्वार की रोटी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो तीन ऐसे अनाज जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है गेहूँ और चावल से। तो आप चाहें तो इनको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, खाने में शामिल कर सकते हैं और इनका फायदा ले सकते हैं। या तो आप इनको अलग-अलग करके भी खा सकते हैं, या तो आप इसको गेहूं के आटे के साथ मिला के खा सकते हैं, या फिर आप तीनों आटों को एक साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। तो आपकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी, आप इसको खा के हेल्दी फील करोगे, फिट फील करोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल सबको कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कमी हो रही है, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप मेरी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।